आइए चलते हैं हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के संस्कृत ग्राम झिरी में। यहाँ की आबादी 900 के लगभग है। पूरे गांव में संस्कृत की छवि दिखती है। यहाँ दीवारों पर पूरे गांव में संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। संस्कृत में वाक्य श्लोक लिखे हुए हैं। झिरी ग्राम को संस्कृत ग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सामान्य बोलचाल की भाषा संस्कृत है। यहाँ की संस्कृति की झलक आप देख सकते हैं। मम नाम शकुंतला परियार, अहम झिरी ग्राम निवसामी। ऐसा मम माता जी अस्ति, ऐसा मम मातुलानी। मम नाम कमलाबाई। मम नाम दयाबाई अस्ति। किम फसलम अस्ति तत्? सोयाबीजम अस्ति। सम्यक अस्ति? बहु सम्यक अस्ति। के नष्टम अभवत्? न नष्टम न अभवत्, सम्यक अस्ति। बहु जनानां नष्टम अपि अभवत्। मम अपि अभवत्? नष्टम अभवत्। आम्, तर्हि इदानीं किं कृतवान्? इदानीं कीटनाशकं सञ्चारं कृतवान्। कीटनाशकं भवान्? अरे मम अपि कृतवान्। इसी गांव में एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम SFAC के अंतर्गत बनाए गए कृषक समूह हैं, जिनकी हर महीने नियमित बैठक होती है। उसी बैठक में हम आज चर्चा करेंगे अंश पूंजी के ऊपर। आइए चलते हैं बैठक में। राम राम दादा, आज अपन हर महीने की तरह कुलदेव कृपा कृषक समूह से इकट्ठे हुए हैं और हर महीने की तरह आप मंथली मीटिंग कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष सचिव से अनुरोध करता हूँ कि हर महीने की तरह मीटिंग की शुरुआत करें। किसान बंधु प्रति माह की तरह आज भी एकत्रित हुए हैं। अब मेरा नाम तो सबको याद ही है, अवगत है, तो भी मैं अपना नाम श्री बाला प्रसाद तिवारी कृषक हूँ और अपन मीटिंग की शुरुआत करेंगे। आज एक बिंदु विषय क्या लेकर के चर्चा करना है अपन को, अपन सब विचार करके और एक बिंदु लेकर के उसके विषय में चर्चा करते हैं। जैसे कि अपना आज का एजेंडा रखते हैं अपन शेयर कलेक्शन के बारे में, तो अपन शेयर कलेक्शन के बारे में आज बात करना चाहते हैं। जैसे अपने हर महीने 50-50 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं शेयर का, तो उनका आगे चल कर क्या उपयोग होगा उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। शेयर कनेक्शन क्या है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी बताओ। जैसे कि अपन शेयर जो इकट्ठा कर रहे हैं इसमें थोड़ा अंश पूंजी ले रहे हैं शेयर, जैसे 50-50 रुपये ले रहे हैं अपन। और ये अपना जो समूह हर गांव में, जैसे अपने गांव कुलदेव कृपा कृषक समूह अपना झिरी में है, ऐसे अन्य गांव में भी जैसे मुंडला सुसाइटी सभी गांव में समूह बनाए हैं, और वो सभी समूह के जो शेयर है वो अंश पूंजी अपन इकट्ठा करके उससे आगे का धंधा करेंगे। जैसे अपन को खाद बीज सब अपन इकट्ठा लेंगे समूह में तो हमें कम दामों में उपलब्ध हो जाएगा और अपन को उससे अच्छा लाभ होगा। कलेक्शन से लाभ क्या है? देखो शेयर कलेक्शन एक अंश पूंजी है, तो उसके लिए एक अपने कंपनी है। कंपनी में क्या शेयर से क्या होगा फ़ायदा हमें कि धीरे धीरे शेयर इकट्ठा हो जाएगा। उससे मान लो अगर एक आदमी कोई भी चीज़ खरीदता है, जैसे दवाई खरीदता है, तो एक आदमी 5 लीटर खरीदेगा। अगर आप पूरा समूह खरीदोगे तो 100 लीटर दवाई खरीदोगे, तो अगर 100 लीटर दवाई अपन सीधे कंपनी से मंगाए तो वो कम दामों में मिल जाएगी। तो कुल मिला के कंपनी का शेयर कलेक्शन का ये फ़ायदा है कि जो भी चीज़ अपन मार्केट से खरीदते हैं वो अपन को कम दामों में सस्ती मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर आप कुछ चीज़ बेचना चाहें, जैसे सोयाबीन है, तो आप 10-10 क्विंटल 20-20 क्विंटल बेचते हैं, अगर उसको इकट्ठी बेचेंगे और डायरेक्ट थोक विक्रेता को बेचेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा और उसके अंश पूंजी भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी कंपनी में रहेगी। एक और फ़ायदा है, कंपनी जितना के व्यापार करेगी, जितने रुपये का व्यापार करेगी उसमें से 50% तो कंपनी के बैलेंस रहेगा और 50% आपके शेयरधारकों को बांट दिया जाएगा, तो वो भी कमाई आपकी है, आपकी बचत होगी वो भी। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आप, जैसे हम सभी किसान शेयर कलेक्शन आपके पास जमा कर दिए अपनी समिति के पास, और फिर इसका कोई प्रमाणीकरण तो हमारे पास है नहीं, कल के दिन कुछ कंपनी फ़ायदा हमको, अपनी किसानों की कंपनी फ़ायदा दे रही है नहीं दे रही, हमारे पास तो प्रमाण है नहीं, कोई रसीद नहीं, तो इसका कोई प्ररूप है क्या कि हम 50 रुपये महीना में जो जमा कर रहे हैं हमारा इकट्ठा हो रहा, तो क्या प्ररूप कि हमको वापस वो बोनस के रूप में मिल जाएगा, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं। जैसे कि आप पूछ रहे हैं हमारे आपके पास